लगता है दोनों ने कसम खा रखी है, न तुम सुधरोगे न हम सुधरेंगे। लगभग पूरा का पूरा तिहाड़ नप चुका, तिहाड़ के मुखिया नप चुके, लेकिन क्या मजाल कि सुकेश चंद्रशेखर की आन बान और शान में कोई कमी आ जाए। तमाम खुलासे, कोर्ट की फटकार और पुलिसिया कार्रवाई के बावजूद सुकेश अब भी तिहाड़ के अंदर ऐश ही काट रहा है। उसी ऐश और ऐश के बाद आंसू की अब सबसे ताजा तस्वीर तिहाड़ से बाहर आई है। ये तस्वीरें हैं दिल्ली के मंडोली जेल की, जहां अपने सेल में बंद महाठगी के आरोपी सुकेश चंद्रशेखर की रुलाई छूट रही है। वो फूट फूट कर रो रहा है। वो कभी अपने हाथों से अपने आंसू पोंछता है तो कभी अपनी आस्तीन से। लेकिन फिर सवाल यह है कि अपनी ठगी से सैकड़ों लोगों को खून के आंसू रुलाने वाले सुकेश चंद्रशेखर की यह हालत आखिर कैसे हुई? जेल में अचानक उसके साथ ऐसा क्या हो गया कि उसे रोना आ गया, और वो भी बिल्कुल बच्चों की तरह फूट फूट कर। तो इसका जवाब जानने के लिए आपको सुकेश के सेल की ये बाकी तस्वीरें देखनी चाहिए। इस सीसीटीवी फुटेज में सुकेश फर्श पर लगे अपने बिस्तर पर बैठा हुआ दिख रहा है, तभी अचानक दरवाजे पर कुछ लोगों की आहट सुनाई देती है और सुकेश एक ही झटके में उठ खड़ा होता है। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, सेल में दनदनाते हुए करीब दर्जन भर लोग घुस आते हैं। इन लोगों में दो जेलर के अलावा सीआरपीएफ के जवान और दूसरे सुरक्षाकर्मी शामिल हैं। अंदर आते ही सुरक्षाकर्मी सुकेश के बिस्तर समेत सेल में रखे दूसरे सामानों की तलाशी लेने लगते हैं। जेलर उससे सवाल जवाब करते हैं, जबकि एक सुरक्षाकर्मी लगातार ये सब कुछ अपने मोबाइल फोन पर शूट करता रहता है। साफ है ये तस्वीरें उसी छापेमारी की हैं जो पिछले महीने जेल में बंद सुकेश के सेल में हुई, और जिस छापेमारी में जेल में बंद होने के बावजूद सुकेश के ऐशो आराम की पोल एक बार फिर खुल गई, और शायद यही वजह रही कि इस बार सुकेश को रोना पड़ गया। जेल सूत्रों की माने तो छापेमारी में सुकेश के सेल से एक बार फिर ऐसी ऐसी चीजें मिली जिसके बारे में कोई आम कैदी सोच भी नहीं सकता। मसलन जेल अधिकारियों को उसके पास से करीब 1.5 लाख रुपए की कीमत वाली गुच्ची की चप्पलें और 80,000 रुपए के दो जींस मिले। जी हाँ, 1.5 लाख के चप्पल और 80,000 की जींस। यानी सख्ती के तमाम दावों के बावजूद इस छापेमारी से करीब 200 करोड़ की ठगी समेत दूसरे कई मामलों में जेल में बंद सुकेश चंद्रशेखर की जेल में चलती ऐशो आराम भरी लाइफ का एक बार फिर खुलासा हो गया, और शायद यही वजह रही कि सुकेश रो पड़ा। फिलहाल सरकार ये पता लगाने में जुटी है कि आखिर सुकेश के सेल में हुई इस छापेमारी की ये सीसीटीवी तस्वीरें लीक कैसे हुई और लोगों तक कैसे पहुंची। हालांकि इतना सब कुछ होने के बावजूद ये बात फिलहाल एक राज है कि इस छापेमारी के बाद अलग से सुकेश चंद्रशेखर के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई या फिर उसके सेल से ये सामान जब्त कर उसे बस जाने दिया गया। ये सीसीटीवी फुटेज उस वक्त का है जब सुकेश चंद्रशेखर दिल्ली के मंडोली जेल में बंद था। उस दौरान जेल प्रशासन को सूचना मिली थी कि सुकेश के पास एक बार फिर से सुख सुविधाएं पहुंच चुकी हैं। ऐसे में जब जेल प्रशासन ने सुकेश के बैरक में छापा मारा था, तब जेल अधिकारियों को देखकर सुकेश फूट फूट कर रोने लगा था। सुकेश के पास से महंगी तकरीबन 1.5 लाख की चप्पलें और 80,000 के जींस बरामद हुए थे। ये वही सुकेश है जिसका कभी तिहाड़ में सिक्का चला करता था, जिसके सेल में न सिर्फ ऐशो आराम की सारी सुविधाएं मौजूद थी,
बल्कि सेल की असली तस्वीरें कभी बाहर ना आ सके इसके लिए सीसीटीवी कैमरे के सामने पर्दे तक टांग दिए जाते थे। कहते तो यहां तक हैं कि जेल में ही सुकेश चंद्रशेखर जब चाहे जिससे चाहे मिलता था और इसके लिए उसके पास जेल में कई हाई एंड कारें तक थी जिसमें बाकायदा जेल प्रशासन का स्टिकर लगा होता था। ये कारें सुकेश के गेस्ट को लेने बाहर जाती थी और सीधे जेल के अंदर सुकेश के बैरक के बिल्कुल नजदीक आकर रुकती थी। इसके अलावा उसके पास रुपए पैसे और ऐशो आराम की चीजें तो होती ही थी, लेकिन धीरे धीरे जेल में चलता उसका ये तिलस्म टूट गया और उसके खिलाफ जांच शुरू हो गई। ये जांच सिर्फ सुकेश ही नहीं बल्कि उन तकरीबन 100 जेल अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए मुसीबत लेकर आई जिनकी पुश्तो पनाही में सुकेश का ये सारा माया जाल फैला हुआ था। जेल में सुकेश को मिल रही इन सुविधाओं की जांच जब आगे बढ़ी तो न सिर्फ जेल के 80 से ज्यादा पुलिसकर्मी रिश्वतखोरी के इल्जाम में नप गए बल्कि डीजी संदीप गोयल तक को हटना पड़ा। और तो और उन्हें जेल डीजी के पद से हटाकर कुछ ऐसे शंट कर दिया गया कि फिलहाल उनके पास एक अदद कुर्सी तक नहीं है। आज तक के पास ऐसे दागी अफसरों और मुलाजिमों की पूरी लिस्ट मौजूद है जिन पर सुकेश चंद्रशेखर से करोड़ों रुपए की रिश्वत लेने का इल्जाम है। और इस लिस्ट में 10 असिस्टेंट जेल सुपरिंटेंडेंट लेवल के अफसरों के साथ साथ तकरीबन 7 दर्जन मुलाजिमों के नाम शामिल है। जेल में रिश्वत बांटकर ऐश करने के मामले में दिल्ली पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग यानी आर्थिक अपराध शाखा पहले ही एक FIR दर्ज कर चुकी है जिसमें सुकेश के साथ साथ तिहाड़ के 82 अधिकारी और कर्मचारियों के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत मामला दर्ज है। और इन आरोपियों में से कई तो गिरफ्तार कर उसी जेल में भेजे जा चुके हैं जिसमें अब तक वो काम किया करते थे। असल में जब तक जेल में सुकेश चंद्रशेखर के रिश्वत कांड की पोल नहीं खुली थी तब तक वो लोगों से अरबों रुपए लूटकर जेल के मुलाजिमों को करोड़ों रुपए बांट दिया करता था। लेकिन जब मामले की जांच शुरू हुई और ये पता चला कि कैसे उसने पैसे के दम पर जेल में कायदे कानूनों का मजाक बना दिया है तो ठगी के साथ साथ जेल कर्मचारियों की भूमिका की भी जांच शुरू हो गई। फिर तो घूस महल में बदल चुके तिहाड़ में सुकेश के रिश्वत राज से जुड़ी ऐसी ऐसी खबरें सामने आने लगी कि खुद मामले की जांच कर रहे दिल्ली पुलिस के अफसर भी चकरा गए। क्या आप यकीन करेंगे कि अपनी पोल खुलने के डर से सुकेश चंद्रशेखर हर महीने जेल के मुलाजिमों को कोई 1-2 लाख या 10 लाख रुपए नहीं बल्कि तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए लुटाया करता था। यानी वो हर महीने जेल कर्मियों को रिश्वत के तौर पर करीब 1.5 करोड़ रुपए देता था। और ये बात खुद दिल्ली पुलिस के उन अफसरों ने कही जो इस मामले की जांच कर रहे हैं। सुनकर भी अजीब लगता है, जिस देश में 1-1.5 करोड़ रुपए कमाने में लोगों की पूरी उम्र निकल जाती है और अनगिनत लोग जीवन में कभी यह आंकड़ा छू भी नहीं पाते, वहां सुकेश चंद्रशेखर 1-1.5 करोड़ रुपए जेल कर्मचारियों के बीच ऐसे बांट दिया करता था जैसे ये रकम कोई करोड़ों की नहीं बल्कि कुछ 100 में हो। बात उन दिनों की है जब सुकेश चंद्रशेखर तिहाड़ जेल की रोहिणी शाखा में बंद था और तब उसका ठिकाना जेल नंबर 10 का वार्ड नंबर 3 और बैरक नंबर 204 हुआ करता था। लेकिन इस बैरक को सुकेश ने सिर्फ अपने पैसों के दम पर नखलिस्तान में बदल दिया था। यहाँ उसे ऐशो आराम की हर वो चीज उपलब्ध थी जो कोई बड़ा से बड़ा रईस बाहर अपनी दौलत से खरीद सकता है, फिर चाहे वो 5-स्टार होटल का खाना हो, ब्रांडेड कपड़े, महंगे गैजेट्स, परफ्यूम्स या फिर ड्रिंक्स या फिर कुछ और। सुकेश के पास जेल में रहते हुए ही ऐशो आराम की सारी चीजें मौजूद थी।